गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज अरुणाचल ट्रिप का डे टू है और गाड़ी में पूरा लगेज सेट करके अब निकल गए हैं। सुबह 7:30 बजे होटल से पता चला कि अभी आर्मी कॉन्वॉय आने वाला है, तो अगर जल्दी जल्दी नहीं निकला तो पूरा फंस जाऊंगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी होटल से निकल गया और अभी ब्रेकफास्ट करके फिर आगे चलते हैं सेला पास की तरफ। रोड दिख रहा है ऊपर जाने का, बहुत चढ़ाई चढ़ने वाले हैं आज और कल से तो ठंड भी चालू हो गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या है ऊपर। तो बर्फ़ दिख नहीं रहा है शायद, वैसे ठीक है बर्फ़ होने से मेरा गाड़ी का पता नहीं क्या होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा बर्फ़ में, और मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है कभी बर्फ़ में चलाने का, तो बर्फ़ ना हो अभी तो ही अच्छा है। सो लेट्स गो, अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। सो ब्रेकफास्ट में आ गया अपना गर्म गर्म मोमोज। ब्रेकफास्ट खत्म, अब टाइम है आगे बढ़ने का। ऑलमोस्ट पहुंच गए अभी, और 7-8 किलोमीटर बाकी रह गया है सेला पास के, काफ़ी ऊपर चले आए। ये वैसे पूरा आर्मी जोन है, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी नॉट अलाउड है। वैसे ड्रोन उड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऊपर से आप देखो नीचे सब कुछ दिख रहा है, और ऑलमोस्ट क्लाउड के लेवल पे आ गए हैं। देखो क्लाउड पैरेलल ही जा रहा है अपना, और बस थोड़ा आगे जाके ही सेला पास है। यहाँ से आगे से दिख भी रहा था, यहाँ से नहीं दिख रहा है। थोड़ा गाड़ी को रेस्ट देने के लिए रुके हैं। तो हम पहुंच गए सेला पास टॉप पे।
सो ऑलमोस्ट 14,000 फीट ऑल्टीट्यूड है इसका, और इधर से एंट्री है तावांग का। जो तावांग डिस्ट्रिक्ट है वो ये सेला पास से एंट्री हो रहा है, और यहाँ से 76 किलोमीटर आगे है तावांग। बर्फीला हवा चल रहा है ऊपर, पर स्नो नहीं दिखा अभी, ड्राई है और बहुत धूप है, मतलब धूप में गर्मी लग रहा है, अगर शेड में आ रहे हो तो ठंड है। ये दूसरा साइड है, अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जंग वाटरफॉल, नरानांग वाटरफॉल कुछ भी बोल लो। मैं तो पहले कंफ्यूज हो गया था जंग वाटरफॉल देख के, तो थोड़ा आगे निकल गया था तावांग की तरफ। अब फिर 18 किलोमीटर गया और फिर वापस आया, अभी सेम रूट पे, फिर उसी रूट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटरफॉल मैंने देखा है बहुत फेमस है, ये मैं मिस नहीं कर सकता। तो चलते हैं वाटरफॉल के लिए। तो पहुंच गए वाटरफॉल पे, आगे जाके शायद कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि पानी का इतना साउंड है कि कुछ सुनाई देगा कि नहीं पता नहीं। तो ये आगे वाटरफॉल है, बस वाटरफॉल ही नहीं, वाटरफॉल के साथ एक रेनबो भी दिख रहा है पूरा, मतलब ये लाइट के रिफ्लेक्शन, जो पानी के छींटे आ रहे हैं उसमें लाइट के रिफ्लेक्शन के साथ एक रेनबो बना हुआ है, और देखने में बढ़िया लग रहा है। मैं अभी जाके आपको दिखाता हूँ। और ये वाटरफॉल का पानी डायरेक्टली आ रहा है रिवर पे, दिस इज द रिवर। पानी का बहाव देखो, दिस कैन बी ए नाइस प्लेस फॉर रिवर रैफ्टिंग, बहुत अच्छे से हो सकता है यहाँ पे रिवर रैफ्टिंग, पानी भी काफी साफ है। पहुंच गए तवांग, और अभी हम आए हैं तवांग मॉनेस्ट्री पे। जितना देखा है गूगल पे कि ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री भी है, तो मैं अभी तक होटल भी बुक नहीं किया, डायरेक्ट वो
नारनंग वाटरफॉल से यहाँ आके पहले ये विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि अभी 3 बज चुके हैं और 4:30 बजे के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। तो वट एवर पॉसिबल जितने देर लाइट है देख लेना पड़ेगा। तो लेट्स विज़िट द तवांग मॉनेस्ट्री, इसके बाद ढूंढ लेंगे कोई घर, कोई होटल ढूंढ लेंगे। और मॉनेस्ट्री के पीछे ये है बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज। इन माय नेक्स्ट एपिसोड आई विल कवर अदर प्लेसेस इन तवांग। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो अभी के लिए बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ एट एवरी मोमेंट।